आम आदमी की समस्याओं को ध्यान में रखकर सरकार योजनाएं तो बनाती है और उनके क्रियान्वयन में करोड़ों रुपए खर्च भी करती है, मगर इन योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाले अधिकारी कर्मचारी जब भ्रष्टाचार में लिप्त हों तो आलम कुछ ऐसा होता है। आपको बता दें कि बलरामपुर जिले के चुंदरा ग्राम पंचायत का जहां बाकी नदी पर जल संसाधन विभाग द्वारा 3 साल पहले लगभग 5 करोड़ की लागत से 900 मीटर तटबंध का निर्माण कराया गया था, जो कि पहली बरसात में धराशायी हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के दिनों में जब नदी में बाढ़ का पानी आता था तब मिट्टी का कटाव बढ़ जाता था, जिससे नदी अपना रास्ता बदलकर गांव के बीच से बहने लगती थी। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए यहां 5 करोड़ की लागत से तटबंध का निर्माण कराया गया था, मगर भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से निर्माण इतना घटिया कराया गया कि ये तटबंध पहली बरसात भी नहीं झेल पाया और टूट गया। अब आलम यह है कि नदी के किनारे पर बसी बस्तियां कभी भी नदी में मिल सकती हैं। वहीं जब इस मामले में रामानुजगंज के शिव कुमार बनर्जी से बात की गई तो उन्होंने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से जानकारी लेकर आगे कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। बहरहाल अधिकारी कार्रवाई की बात तो कह रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात तो ये होगी कि क्या कार्रवाई के डर से ये भ्रष्ट ठेकेदार और अधिकारी पर कोई असर होगा। गरीबों के हितों के लिए बनाई गई कल्याणकारी योजनाएं यूं ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती रहेंगी। डेट तो नहीं मालूम है, पर पहला बाढ़ आया उसी पूरा बह गया। वही बारिश हुआ उसके सेकेंड बाढ़ के बाद तीसरा में पूरा बह गया। तीन महीने के बाद टूटा था। हाँ, कौन बनवाया था इसको? ये यूपी का ठेकेदार थे। किस विभाग के तहत बना था ये तो जानकारी नहीं है। जल संसाधन? हाँ, उसी का। ये लगभग देख रहे हैं बनने के बाद, ये 3 साल लगभग हो रहा है बने हुए, तो जैसी बना है बरसात से पहले, अब बरसात जैसी गिरा वैसे सब टूट गया फर्स्ट बार में। आपको पता है कितने का है ये? जी सर, 5 करोड़ कुछ के था सर। 5 करोड़ की लागत से? अच्छा, इससे क्या नुकसान हो रहा है गांव वाला? गांव वाला के नुकसान है कि यहाँ से बस्ती टूटने जा रहा है। अब ये बस्ती रहेगा नहीं, टूटते जा रहा है। इसकी वजह से पूरा बस्ती टूट गया? पूरे बस्ती खाली हो जाएगा सर, अगर ये नहीं बनेगा तो बस्ती खाली हो जाएगा। आप ही लोग के माध्यम से पता चल रहा है वैसे, अब अपने इस तरफ से जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो अधिकारी उनसे चर्चा हुई है, तो उनका कहना है सर कागज ला के दिखा देते हैं, कब से बना है कब से नहीं बना है उससे पता चल जाएगा। तो जैसे ही कागज आता है उसके हिसाब से हम जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करके आगे कार्रवाई करेंगे।